गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4th। एक्सरसाइज ए इज फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या खाली स्थानों को भरो। फर्स्ट इज क्लॉथ्स आर समथिंग दैट वी नीड टू डस्ट अस डेली। वस्त्र कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें डस्ट डस्ट के लिए प्रतिदिन होती है। तो कपड़े की ज़रूरत हमें प्रतिदिन किस लिए होती है? ऑप्शन है ईट वियर, खाने के लिए, पहनने के लिए। तो वियर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि कपड़े की आवश्यकता हमें पहनने के लिए होती है, तो वियर को हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड इज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड डस्ट डस्ट वेदर। कपड़े हमें वर्षा, गर्मी और डस्ट डस्ट मौसम से बचाते हैं या सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन है कोल्ड प्लीजेंट। तो कैसे मौसम से बचाते हैं हमें? ठंडी के मौसम से या सुहावने मौसम से या अच्छे मौसम से। तो कोल्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि वस्त्र हमें वर्षा, गर्मी और ठंडी के मौसम से बचाते हैं। थर्ड इज वी वियर डैश डैश क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मी में डैश डैश कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन है ऊलन कॉटन, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र। तो हम गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन कॉटन ये करेक्ट होगा। तो इसको हम यहाँ पर कॉटन को हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ इज रेन वियर इज मेड ऑफ डैश डैश मटेरियल्स लाइक रबर एंड प्लास्टिक। बरसाती कपड़े डैश डैश सामग्री जैसे रबर और प्लास्टिक से बने होते हैं। तो जो बरसाती कपड़े होते हैं वो जल रोधक सामग्री के बने होते हैं, तो इसलिए हमारा ये वाटरप्रूफ ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिया गया है वाटरप्रूफ और लाइट। तो वाटरप्रूफ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बरसाती कपड़े जो होते हैं वो जल रोधक सामग्री के बने होते हैं, तो वाटरप्रूफ को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिफ्थ इज द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वियर डैश डैश डेली। स्कूल के विद्यार्थी डैश डैश प्रतिदिन पहनते हैं। तो स्कूल के विद्यार्थी प्रतिदिन क्या पहनते हैं? जीन्स। ऑप्शन है जीन्स या यूनिफॉर्म। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो यूनिफॉर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्सरसाइज बी इज राइट यस और नो। हाँ या नहीं लिखिए। फर्स्ट इज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट वेदर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो यस लिखिए और अगर रॉन्ग है तो नो लिखिए। तो चलिए देखते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट वेदर। कपड़े हमें गर्म मौसम से बचाते हैं या सुरक्षित रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कपड़े हमें वर्षा, गर्मी, ठंडी आदि से बचाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे। सेकंड इज वी गेट सिल्क फ्रॉम प्लांट्स। हमें सिल्क पौधों से प्राप्त होता है। तो जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें दिया गया है कि सिल्क प्लांट से, पौधों से प्राप्त होता है। सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, ना कि प्लांट से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे। थर्ड इज सीप गिव अस ऊल। सीप गिव अस ऊल। भेड़ हमें ऊन देते हैं। तो जो भेड़ होते हैं वो हमें ऊन देते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे, क्योंकि जो ऊन होते हैं वो हमें भेड़ से प्राप्त होता है। फोर्थ इज रेन कोट्स आर मेड ऑफ रबर। रेन कोट रबर के बने होते हैं। तो रबर जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है। तो जो बरसाती कपड़े होते हैं वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि रेन कोट
सॉफ्ट रबर से बने होते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे, क्योंकि रेनकोट जो होते हैं वो रबर के बने होते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, वी शुड वियर डर्टी क्लॉथ्स, हमें हमेशा गंदे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तो यहाँ पर हम नो लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, आप चैप्टर 4 लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आपको लिखना है होमवर्क में। थैंक यू।